असम सरकार ने शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाने को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की हर लड़की की शादी में 10 ग्राम सोना गिफ्ट में दिया जाएगा। यह स्कीम अगले साल जनवरी से शुरू होगी। राज्य के वित्त मंत्री के मुताबिक अरुंधति स्वर्ण योजना का लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तें भी माननी पड़ेंगी। हर वयस्क दुल्हन जिसने कम से कम 10वीं की पढ़ाई की है और अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराया है उसे 10 ग्राम सोना उपहार स्वरूप भेंट कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन के परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अरुंधति स्वर्ण योजना का लाभ लड़की की पहली बार शादी पर ही मिलेगा और इसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराना होगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत सोना फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। शादी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद 30,000 रुपए दुल्हन के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। इसके बाद उसे सोने की खरीद और रसीद सबमिट करनी होगी। इन पैसों का इस्तेमाल अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। 10 ग्राम सोने के लिए 30,000 रुपए का अमाउंट पूरे साल सोने की औसत कीमत पर गौर करने के बाद तय किया गया है। इसे हर बजट में संशोधित किया जाएगा। शादी को डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज के अलावा सर्किल ऑफिसेज में भी पंजीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी। अरुंधति स्वर्ण योजना से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी असम सरकार ने मौजूदा वित्त मंत्री से इस योजना पर 3 महीनों के लिए 300 करोड़ का बजट बनाने को कहा है। तो दोस्तों, असम सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और इसी ही कई और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। MFY News, हमेशा सच के साथ।